जितनी एम्प्लॉयज़ जो है वो कल सिंडिकेट मीटिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी से फायर आउट मतलब टर्मिनेट कर दिए। रीज़न ये बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस पे काम कर रही है, तो अब ये मतलब वाइस चांसलर की पावर में भी नहीं है और सिंडिकेट की पावर में भी ये नहीं है कि हम इनको फर्दर एक्सटेंशन दे दें। तो कल उन्होंने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड किया कि ये 63 जो एम्प्लॉयज़ है विल बी नो मोर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सवात। बदतरीन फैसला है स्वात यूनिवर्सिटी के तारीख में। स्वात यूनिवर्सिटी को मीन बहुत नुकसान हुआ है इस फैसले से, और जाहिर बात है जब 63 बंदे आप निकालते हैं तो उनको तो 63 पोजीशन है उनको तो फिर फिल करना है, उस पर जाहिर बात है वो कोई अपना कोई रिश्तेदार कोई बंदा उस पर लेगा, तो ये एक माफिया इन्वॉल्व है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन है। और बेसिकली ये बात है कि बात की जाए 2010 से लेके तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी वही की वही कड़ी है जहाँ से पहले उन्हें वो स्टार्ट ली थी। अभी सारी की यूनिवर्सिटी जो है ना वो रेंटेड बिल्डिंग में वो काम कर रही है, जितने भी बिल्डिंग है तकरीबन उस पर लाखों रुपये जो है रेंट खर्च होती है, तो उसी हिसाब से जो बिल्डिंग का जो सूरत हाल है उसी वही सूरत हाल एम्प्लॉयमेंट का भी है, वही सूरत हाल जो है ना टीचर्स का भी है। जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट में परमानेंट टीचर्स नहीं है, ना होने की बराबर है, और माँ सेवाएँ 2-3 डिपार्टमेंट्स के उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। जैसे कि मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूँ, जूलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ अभी सूरत हाल यही है कि एक परमानेंट टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बाकी दो टीचर्स है वो किसी और कैंपस में जो है ना काम कर रहे हैं। तो यही सब कैंपसेस का यही सूरत हाल है और सब डिपार्टमेंट का भी यही सूरत हाल है कि उसमें परमानेंट टीचर्स नहीं है, सारे के सारे विजिटिंग, तकरीबन 176 विजिटिंग टीचर जो है यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का और मेरा मौक़िफ़ लेने का। बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ टीचर्स काफ़ी अर्सा से काम कर रहे थे, उनके लिए पोजीशंस हमने एडवर्टाइज़ भी की थी और उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी किया था। मार्च 2019 में जब मैंने चार्ज संभाला रजिस्ट्रार का, तो उस वक्त ये कोर्ट जा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप अदालत न जाएं और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने चूँकि पहले अप्लाई की है इस पोजीशन को, तो हम आपके ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है हम इसको एक्सपेडाइट करते हैं ताकि आपका रेगुलर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बदकिस्मती से इन लोगों ने ये सीधा चले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने रेट कर दिया और कोर्ट ने हमें कहा कि आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना है, ना आपने उनको निकालना है, ना आपने उनकी तनख्वाह रोकनी है। तो कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ये लोग अपनी ड्यूटी करते रहे और हम उनको सैलरीज देते रहे। पिछले महीने फिर अदालत का फैसला आ गया और उस फैसले में ये लिखा गया कि जी एक साल के बाद वाइस चांसलर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट में री एंगेज करे या उनकी सर्विस में एक्सटेंशन दे। 17 एंड अबाव कोर्ट ने ये भी कहा कि परमानेंट जो एम्प्लॉइज हमारे पास होते हैं 17 स्केल और उससे ऊपर, तो उनकी अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी जो है वो बेसिकली सिंडिकेट के पास है, और 1 से 16 में जो लोग अपॉइंटमेंट जिनकी होती है यूनिवर्सिटी में, तो वो इख्तियार वाइस चांसलर के पास है। जो प्रैक्टिस चल रहा है पूरे सूबे में, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चरर्स होते हैं या बाकी मतलब एम्प्लॉइज होते हैं, तो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो 1-2 दिन का गैप दे के और फिर उनको री एंगेज किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आए होते हैं। इनका केस चूँकि अदालत का भी फैसला आ गया कि जी आप उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, तो हमने वो केस कल अपने सिंडिकेट में भी ले गए कि जी अगर सिंडिकेट हमें कोई इसका वे आउट दे। सिंडिकेट ने कहा कि जी सिंडिकेट के पास कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का कोई इख्तियार नहीं है। इस तरीके से चूँकि वाइस चांसलर को क्लियर कट अदालत ने कहा कि वाइस चांसलर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ है
और उनका एक साल पूरा हो चुका हो तो वो उनको री एंगेज करे या उनको एक्सटेंशन दे। बहरहाल सिंडिकेट ने ये डिसीजन दिया है कि आप इनके जो केसेस जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इनको एक्सपेडाइट करें, उसको तेज़ कर दे ताकि इनका सिलेक्शन प्रोसेस जल्द अज जल्द हो जाए। जो आपने पहली बात की कि जी आप लोगों ने उनको निकाला है, हमने किसी को भी नहीं निकाला है, एहतजाज उनका बिल्कुल हक है। अदालत का एक फैसला है कि जी आप उनको री एंगेज नहीं कर सकते, तो अभी अदालत ने अगर एक आर्डर दे दिया है तो उसके ऊपर कोई और आर्डर नहीं दे सकता है।